सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सिलेक्ट करें ऑल पे ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों को गुलाब लगाने में बहुत परेशानी होती है, उनसे गुलाब चलते नहीं हैं, तो आज दोस्तों उसी के बारे में वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम मार्केट या नर्सरी से गुलाब लेकर आते हैं तो हमें उसे मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। दोस्तों, सबसे अच्छा मिट्टी का गमला होता है क्योंकि उसमें हवा पानी इन आउट आराम से हो जाता है, पर ये सीमेंट और प्लास्टिक के गमले में नहीं हो पाता। गुलाब का प्लांट बहुत नाजुक होता है, उसकी जड़ें सबसे पहले गलती हैं, उसके कारण हमारा प्लांट ख़त्म हो जाता है और हम गुलाब लगाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे को मिट्टी का गमला लगाना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा बता दें आपको कि जब भी आप गुलाब लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को भी आपको चेक करना है, वो मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। दोस्तों, मिट्टी को एसिडिक करने के लिए आप फिटकरी का पानी उसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में फिटकरी मिलाएँ और उसे अपने हर प्लांट में दे दें, और आप पीएच उसका चेक कर सकते हैं। पीएच मीटर मार्केट में मिलता है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, वरना आप उसे 15 दिन में फिटकरी का पानी डालें तो उसकी मिट्टी एसिडिक रहेगी। दोस्तों, एसिडिक मिट्टी उसी तरह ज़रूरी है गुलाब के लिए जैसे हमारा पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र ख़राब हो जाए तो हम कुछ भी खाते वो हमें लगता नहीं है, उसी तरह गुलाब में अगर पीएच जो है कि गड़बड़ हो जाए तो हम उसमें जितना भी खाद पानी डाल दें वो गुलाब नहीं ले पाता और धीरे धीरे गुलाब मर जाता। हम यही कहते हैं कि हमने इसमें इतनी खाद डाली फिर भी ये चल नहीं पाया। तीसरा काम आपको ये करना है कि गुलाब को हर हफ्ते फंगीसाइड उस पर स्प्रे करना है। मार्केट से आप फंगीसाइड ले सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको फंगीसाइड हर हफ्ते 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के सभी पौधों पर स्प्रे करना है। और दोस्तों, कुछ गलती हम लोग ये कर देते हैं कि पानी हम बहुत सारा गुलाब में रोज़ डेली डालते हैं, जिससे उसकी मिट्टी हमेशा इतनी गीली रहती है कि उसकी जड़ें धीरे धीरे गलने लगती, पर ये काम हमें नहीं करना है। दोस्तों, हमें पानी जब ही डालना है जब हमारी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए, तभी हमें उसमें पानी डालना है और उसकी गोड़ी करते रहना है ताकि उसमें ओवर वाटरिंग ना हो सके। और दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि गुलाब को पूरी तरह से नहला देते हैं, वो भी शाम को, उससे फंगस लग जाती है। ये काम नहीं हमको करना है। दोस्तों, हमको गुलाब को नहलाना है, वो भी मॉर्निंग में नहलाना है, अच्छे से नहलाना है, उससे क्या होगा उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो दोस्तों, और इसको हर हफ्ते हमें फीडिंग देनी है। आप जो भी आप पे खाद अवेलेबल हो आप वो खाद डालें तो हमारे जो गुलाब का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और दोस्तों, आप इसको नवंबर से अप्रैल तक इसे फुल सनलाइट में रखें, उसके बाद आप इसको ऐसी जगह रखें जहां पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि फिर गर्मियों के दिन हो जाते हैं और गुलाब को ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों का आप ख्याल रखिए तो आप गुलाब आराम से लगा सकते हैं, आपके गुलाब बहुत अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, यही सब जानकारी आपको देनी थी। तो आपको दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए।